रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि रायपुर से जीते प्रत्याशियों की जिम्मेदारी बड़ी है, ये राजधानी है और इसके विकास में कोई कमी नहीं आएगी और ना ही विकास की राशि की कमी होगी। सीएम ने कहा कि राज्य के 2.5 करोड़ व्यक्तियों का विकास हमारा लक्ष्य है, हम मिलकर काम करेंगे। जनता का जबरदस्त आशीर्वाद मिला है, अब जिम्मेदारी बड़ी हो गई है। इतिहास में पहला मौका है जब कांग्रेस से 10 नगर निगम जीती है। वहीं जिन ई पंचायतों ने छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पुरस्कार दिलवाया है, वहीं से ई गवर्नेंस की नदारत है। इन पंचायतों में आज भी पुराने ढर्रे पर ही काम चल रहा है। 2 साल पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर राजनांदगांव जिले के जिन 5 पंचायतों को मॉडल ई पंचायत के रूप के लिए चुना गया था, 2 साल बाद भी इन पंचायतों में ई गवर्नेंस का कोई नामो निशान ही नहीं है। ऑप्टिकल फाइबर और मेडो की सुविधा होने के बावजूद पंचायत में इंटरनेट कनेक्शन चालू नहीं हो सका है। यह हाल उन गांवों का है जिनके भरोसे राज्य को पुरस्कार मिला है। बता दें कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 2017 में मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत सुरगी अर्जुनी तुमकी बोर्ड, सांसद आदर्श ग्राम गोटा टोला और सोमनी को चुना गया था। में डिजिटल इंडिया के तहत बीएसनेट का यहाँ नेट लगा है, लेकिन वो अधिकांश बंद ही रहता है। अभी करीब 4 महीने से बंद है और हम लोग कंप्लेन भी करते हैं तो सर लोग आग देखते हैं, 2-3 दिन ही चलता है फिर बंद हो जाता है। कांकोर जिले के विकासखंड चरमा के अंतर्गत ग्राम पंचायत में रोजगार सहायक की लापरवाही के चलते मनरेगा के तहत मजदूरों को पैसा नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते मजदूरों ने अपना काम बंद कर दिया है। मजदूरों का कहना है कि तय पैसे कम मजदूरी देकर ज्यादा काम लिया जा रहा है और मजदूरों का हक छीना जा रहा है। मजदूरों का कहना है कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी के तहत प्रतिदिन की मजदूरी दर 176 रुपए है, उसके हिसाब से रुपए मिलने चाहिए, पर मजदूरों को 30 रुपए से लेकर 88 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी दी जा रही है। रोजगार सहायक द्वारा बिना मजदूरी दर डाले मजदूरों से हस्ताक्षर करवाया जाता है, जिससे मजदूर काफी नाराज हैं। पूरे देश में बीजेपी एवं अन्य सामाजिक संगठन के द्वारा नागरिकता कानून और एनआरसी बिल के समर्थन में रैली एवं बिल की जानकारी साझा करने के संबंध में आयोजन किए जा रहे हैं। झाबुआ में भी भारतीय जनता पार्टी और अन्य संगठन द्वारा नागरिकता बिल के समर्थन में 7 जनवरी को विशाल रैली निकाली गई, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन धारा 144 अवहेलना पर सांसद सहित 61 नामजद लोगों पर और 300 अन्य लोगों पर FIR दर्ज की गई। सांसद गुमान सिंह डामोर ने प्रशासन पर भेदभावपूर्ण रवैये का आरोप लगाया है और राज्य में मिनी इमरजेंसी जैसे हालात होने की बात कही है। जिला प्रशासन द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध भेदभाव की नीति अपनाकर कार्यवाही की जा रही है, इसका हमने विरोध किया है। मैंने कलेक्टर और SP को एक पत्र लिखा है और उनसे पूछा है कि अगर हमने रैली निकाली और आपने उसका उल्लंघन माना तो यहाँ पर ऐसे कई अवसर आए हैं जिसमें 5 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित हुए हैं, उन्होंने भी जुलूस निकाला है, उन्होंने भी सभाएं की है। भोपाल से बैतूल वापस लौट रहे मंत्री सुखदेव पासे की सूचना पर पुलिस और खनिज विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। टीम ने NH 69 पर बैतूल जिले से महाराष्ट्र के लिए रेत परिवहन कर रहे 45 से ज्यादा डंपरों को घेरा बंदी कर पकड़ लिया, जिन्हें अलग अलग थानों में खड़ा कराया गया है। बताया जा रहा है कि ये सभी डंपर होशंगाबाद की रॉयल्टी पर बैतूल जिले से रेत भरकर महाराष्ट्र के लिए परिवहन करते हैं। ये भी बताया गया कि इन डंपरों में क्षमता से ज्यादा रेत भरकर परिवहन किया जा रहा है। फिलहाल खनिज विभाग का अमला इन सभी ट्रकों के दस्तावेज और ट्रक में भरी रेत का आकलन करने में लगा हुआ है। कल रात माननीय मंत्री महोदय द्वारा खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की जांच के निर्देश दिए गए, उस निर्देशों के तहत कलेक्टर महोदय द्वारा जिला प्रशासन के समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि खनिजों का अवैध परिवहन एवं ओवरलोड कर रहे वाहनों की तत्काल प्रभाव से जांच की जाए। उस जांच के फलस्वरूप जो है लगभग 40 से 45 वाहन पुलिस लाइन, गंज थाना और जिले के विभिन्न थानों में खड़े किए गए हैं, जिनकी जाँच कार्रवाई प्रचलित है। एक डंपर एक तौल कांटे पे ओवरलोडिंग की रेत निकाल के ट्रैक्टर में भर रहा था, उसको कलेक्टर महोदय द्वारा स्वयं में रात में 7 में पकड़ा गया है। उसको भी लाके जो है देहात अपने गंज थाने में खड़ा किया गया है और निरंतर अभी वाहनों की जांच की जा रही है। इसमें जितने भी वाहन दोषी पाए जाएंगे सब पे नियमानुसार गौण खनिजों के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। काला कार से ला रहे थे, महाराष्ट्र लेके जा रहे,
अमरावती। कितना टन रेत है, क्या कार्रवाई हो रही है? हमारे गाड़ी का पासिंग 25 टन का है। जो पासिंग है 25 टन के हिसाब से गाड़ी में माल भरा हुआ है, और जो खनिज के एतबार से जितनी घन मीटर रहती है वो हिसाब से हमारी रेलिटी फाली है। फिर आपको क्या लगता है कार्रवाई को लेकर? अब वो उनकी कार्रवाई करेंगे, दोषी जो पाए जाएंगे गाड़ी उस पर कार्रवाई करेंगे। आपने अपने कागजात दिखाए थे, उसके बावजूद आपको क्यों रोका? नहीं, अभी कागज़ देखे नहीं गए, अभी इंक्वायरी हो रही है उस पर। साहब लोग इंक्वायरी करेंगे, जो दोषी पाया जाएगा उसको दोषी ठहराएंगे, जो क्लियर गाड़ी रहेंगे उसको क्लियर कर देंगे। कितने लोग थे आपके साथ जो रात को पूरे सब गाड़ियों को पकड़ा है? गाड़ियों पर तो काफ़ी लोग थे, पुलिस वाले थे, SDO साहब भी घूम रहे थे गाड़ी लेके, एक 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 गाड़ी करके वहाँ पे 20-25-30 गाड़ी जमा हो गई 7-8 बजे तक के, बाद में 10 बजे हमारे को यहाँ ला लिए थे। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 20 जनवरी को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होने वाली परीक्षा विषय पर चर्चा कार्यक्रम में कोंडागांव जिले के सेंट जेवियर्स स्कूल की छात्रा कोनिका जैन पीएम मोदी से चर्चा करते हुए नजर आएंगी। कोनिका का कक्षा 9 की छात्रा है। उसने बताया कि स्कूल के प्राचार्य से सूचना पाकर उसने ऑनलाइन आवेदन 20 दिसंबर को किया था, और प्राचार्य से ही उसे 6 जनवरी को इस कार्यक्रम में उसका सिलेक्शन होने की जानकारी मिली। कोनिका ने बताया कि प्रधानमंत्री से मिलना और उनसे बात करना स्वयं के लिए बहुत ही सम्मानजनक अवसर होगा। आपको बता दें कि कोनिका जैन छत्तीसगढ़ के उन 20 विद्यार्थियों में से शामिल हो गई हैं जो सीधे पीएम मोदी से परीक्षा विषय पर चर्चा करने वाले हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव के नगर निगम महापौर के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए और महापौर हेमा देशमुख और अक्षय पप्पू धकेता को बधाई दी। इसके साथ ही सीएम बघेल ने राजनांदगांव की जनता का भी आभार व्यक्त किया। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम सहित कई मंत्री और सांसद मौजूद रहे। वहीं धान खरीद को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि जो धान जिले में भीगे हैं उसका आकलन कर लिया जाएगा। शपथ ग्रहण मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने किया, उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि राजनांदगांव में आए, और उनका एक सपना है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, वो तभी पूरा हो सकता है जब हम राजनांदगांव को गढ़ेंगे। तो हमने भी एक नारा लगाया है गढ़बो राजनांदगांव, और निश्चित रूप से विकास की जो योजना है हमारे मुख्यमंत्री के घोषणा पत्र में नगर निगम के लिए बहुत सारी ऐसी घोषणाएँ हैं जो नगर निगम के विकास के लिए लाभदायक है। निश्चित रूप से उस घोषणाओं को अमल कर जनता की इच्छा के अनुरूप हम आगे बढ़ेंगे और एक नया छत्तीसगढ़, एक नया राजनांदगांव हम देंगे जनता को। उतरे मन के उत्थान, उतरे मन के विकास, उतरे मन के रोजगार, उतर मन के स्वास्थ्य, उतर मन के रहेवर, उतर मन के शिक्षा पर सब व्यवस्था करना ही हमारे नवा छत्तीसगढ़ बनाए उद्देश्य। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से संविधान अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधान खत्म करने के बाद लगाए गए प्रतिबंधों को एक हफ्ते के अंदर समीक्षा करने को कहा है। कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से बैंकिंग, अस्पताल, शिक्षण संस्थानों समेत सभी जरूरी सेवाएं देने वाले संस्थानों में इंटरनेट सेवा बहाल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि इंटरनेट को सरकार अनिश्चितकालीन के लिए बंद नहीं कर सकती है। कोर्ट ने इंटरनेट के इस्तेमाल को अभिव्यक्ति के अधिकार का हिस्सा माना है। जस्टिस NV रमण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस BR गवई की 3 सदस्यीय बेंच ने कहा कि लोगों को असहमति जताने का पूरा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 144 का जिक्र करते हुए कहा कि इसका इस्तेमाल सोच विचार कर ही किया जाना चाहिए, विरोधी विचार को कुचलने के औजार के तौर पर इसका दुरुपयोग ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर में जरूरी सेवाओं के इस्तेमाल के लिए इंटरनेट की बहाली का आदेश देते हुए बड़ी बात कही। कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट का इस्तेमाल संविधान के आर्टिकल 19 के तहत दिए गए अधिकार के तहत ही है। उन्होंने कहा कि ये जो इंटरनेट का शटडाउन और कम्युनिकेशन शटडाउन है, ये उनको उन्होंने कहा कि वो जो प्रिंसिपल्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव मेजर है जिससे किसी की भी फ्रीडम्स को आप रोक सकते हैं, जब स्टेट को बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है लिबर्टी और सिक्योरिटी को, कश्मीर में भी जब आप लिबर्टी और सिक्योरिटी को बैलेंस करेंगे तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। और उन्होंने कहा कि क्योंकि स्टेट ने कोई भी ऑर्डर्स जिससे उन्होंने टेलीकॉम को
और इंटरनेट को बंद किया, 144 लगाया, लोगों की मूवमेंट को बंद किया, वो ऑर्डर सारे पब्लिश भी नहीं किए और वो कोर्ट के सामने भी नहीं रखे। उन्होंने कहा ये गलत है, ये ऑर्डर्स को पब्लिश करने का उनको एक डायरेक्टिव दिया गया है स्टेट को कि सारे ऑर्डर्स पब्लिश किए जाएंगे और फ्यूचर में भी सारे ऑर्डर्स हमेशा पब्लिश होंगे और लोग उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। वो ऑर्डर्स में क्या होना चाहिए, सारे मटेरियल फैक्ट्स होने चाहिए, वो ऑर्डर्स को ये बात दिखानी चाहिए कि किस कारण से फ्रीडम्स और सिविल लिबर्टीज पर रोक लगाई जा रही है, ये इस ऑर्डर में साफ स्पष्ट होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि आज की तारीख में इंटरनेट